और उसकी सक्सेस के हिसाब से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल अलवर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार पिछले दिनों बैक टू बैक मैराथन बैठकों पर रही अलवर के सीएम राजे, लगातार दौरे किए हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र कवर किए हैं, लोगों से मिली हैं, जनसंवाद किया है। आज भी हालांकि जनसंवाद का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पिछले दौरों में जिस तरह की लोगों से शिकायत मिली है, उसे लेकर आज के इस दौर में खासतौर पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उन लोगों से तो मुलाकात करेंगी ही, जनसंवाद तो वो करेंगी ही, लेकिन इसके अलावा प्रदेश के तमाम विभागों से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, उनसे चीजों को लेकर फीडबैक लेंगी। एक तरीके से हम इसे रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों दौरे में जो समस्याएं मिली हैं, लगातार उसके निस्तारण के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई थी और उन समस्याओं के निस्तारण की बात कही गई थी। समस्याएं मेनली किन चीजों को लेकर आ रही हैं, ज्यादा समय समस्याएं जो हैं वो किन विभागों को लेकर है, किन योजनाओं को लेकर है, उनकी क्रियान्विति से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, उन डिपार्टमेंट्स में क्या समस्या आ रही है जिसके चलते एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ अलवर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां पर किया है। लोगों को सस्ती दरों पर खाना मुहैया करवाने का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए लोगों को कम पैसों में अच्छे से अच्छा और पौष्टिक भोजन मिल सके, इसकी एक कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। पहले हालांकि आपको बता दें कि कई जगहों पर अन्नपूर्णा रसोई योजना लॉन्च हो चुकी है, अलवर में आज ये लॉन्च हो रही है। अब तक लगभग 4 से 5 शहरों में ये योजना चल रही है और काफी सक्सेसफुली चल रही है, क्योंकि जब ये योजना लॉन्च की गई थी उसी वक्त कहा गया था कि इस योजना के लॉन्च होने के बाद इसकी सक्सेस को देखा जाएगा, इसको मिल रहे रिस्पांस को देखा जाएगा और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में इस योजना को लागू किया जाएगा। और अब तक इस योजना को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके चलते आज अलवर में भी यह योजना लॉन्च की जा रही है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है, इसके जरिए कम से कम कीमतों में ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी का खाना लोगों को मुहैया हो सके, खाना और नाश्ता दोनों यहां पर मुहैया हो सके, इसकी कोशिश अन्नपूर्णा रसोई योजना के जरिए की जा रही है। आज अलवर में भी इसका शुभारंभ हुआ है, मुख्यमंत्री ने खुद यहां पर इसका शुभारंभ, इसका आगाज किया है। तस्वीरें आप सीधी अलवर से देख पा रहे हैं। अलवर पे यदि हम बात करें अलवर के दौरों को लेकर, तो लगातार सीएम ने अलवर के दौरे किए हैं, यहां पर चीजों को जाना है, लोगों से मुलाकात की है, अलग अलग समाज के लोगों से मुलाकात की है। आपने पिछले लगभग एक महीने में देखा होगा कि बैक टू बैक दौरे हुए हैं, 8 विधानसभा क्षेत्रों को लगातार मुख्यमंत्री ने कवर किया है और हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिली है, जनसंवाद किया है, पदाधिकारियों से मिली है, पार्टी की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है, कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर चीजों को जानने समझने की कोशिश की है। वहीं लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई और उस हेल्प डेस्क के जरिए यह चीज पुख्ता करने की कोशिश की गई कि लोग जो समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं उनका समाधान हो सके। हालांकि 8 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे की यदि हम बात करें, तो हर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान तमाम विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे, उन विभागों से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं उनका तत्काल निस्तारण करने की, उनका सोल्यूशन करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनका तुरंत और समस्याएं जिनका तुरंत समाधान होना संभव नहीं था, वो हेल्प डेस्क के जरिए सुलझाने की कोशिश की गई थी और उसे लेकर आज खासतौर पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बात करेंगी। कुल मिलाकर यदि ज्यादा शिकायतें किन्हीं डिपार्टमेंट्स को आई हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की क्लास भी लग सकती है, ये माना जा सकता है। चलिए, तो फिलहाल आपको बता दें अलवर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई योजना का आगाज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां पर किया है। महत्वाकांक्षी योजना है ये और लगातार इस योजना को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और उसी रिस्पांस का ये नतीजा है कि इस योजना को लगातार प्रदेश के हर शहर में लागू करने की योजना जो बनाई गई है, उसी के चलते अलवर में भी इस योजना का शुभारंभ किया गया। खुद मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है, दौरे पर है, तो खुद मुख्यमंत्री ने इस योजना का यहां पर शुभारंभ किया है और इसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं।
कम से कम दरों पर लोगों को सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर खाना मिल सके, इसकी कोशिश जो है वो अन्नपूर्णा रसोई योजना के जरिए की गई है। आज यहां पर अलवर में इसका शुभारंभ किया जा रहा है और शुभारंभ हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों में आपको वैन नजर आ रही होगी। आपको बता दें कि इसी वैन के जरिए यह योजना संचालित होती है। इसी वैन में जो है वो खाना प्रोसेसिंग का पूरा काम होता है। खाना बाहर आउटलेट से बनकर इन रसोई वैनों तक पहुंचता है और वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेहद कम दरों पर। यह रखी गई है आमतौर पर पूरे प्रदेश में, हर शहर में इस योजना को लागू करने की तैयारी है। इस योजना की यदि हम बात करें तो लोगों को कम से कम दरों पर अच्छे से अच्छा खाना मिल सके, इसकी कोशिश खासतौर पर ऐसे जगहों पर आपको ये वैन्स नजर आएंगे जहां पर लोगों की ज्यादा भीड़ होती है, जहां पर ऐसी भीड़ ज्यादा होती है जहां पर रेस्टोरेंट या फिर ऐसी चीजें एक्सेस कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो, वहां पर इन अन्नपूर्णा रसोई वैन्स को आप देख सकते हैं। अस्पतालों के बाहर देख सकते हैं, बस स्टैंड के आसपास नजर आएंगी, रेलवे स्टेशन के आसपास आपको ये अन्नपूर्णा रसोई वैन नजर आएंगी जहां पर कम से कम कीमतों में आप अच्छे से अच्छे खाने का लुत्फ ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने यहां पर फिलहाल हरी झंडी दिखाकर इन जो अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत ये जो वैन्स हैं उन्हें रवाना किया है। ये आपको शहर में अलग अलग जगहों पर नजर आएंगी, खासतौर पर भीड़भाड़ वाले ऐसे इलाके जहां पर लोगों को कम पैसे में खाना मिल सके, इस चीज को सुनिश्चित करना जरूरी है, वहां पर ये वैन्स आपको नजर आएंगी। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी इस योजना को मिल रहा है, जिसके चलते अब अलवर में भी ये जो योजना है उसका शुभारंभ किया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, अब तक फिलहाल लगभग 7 से 8 वैन्स यहां पर नजर आ रही हैं जिन्हें यहां पर हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री रवाना कर रहे हैं। इसके बाद की यदि हम बात कर लें तो यहां पर बैठकें जो हैं वो लगातार प्रस्तावित हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, राजनीति को लेकर बात हो रही है। फिलहाल दौरे किए हैं मुख्यमंत्री ने, लगातार 8 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे हुए हैं और इस 8 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दौरान काफी चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने वाले 13 तारीख को, और 13 तारीख को 4 सालों में क्या कुछ हुआ है उसका कामकाज एक तरफ, जहां सरकार के कैबिनेट मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मीडिया के जरिए जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या कुछ किया है इन पिछले 4 सालों में, वहीं दूसरी तरफ अलवर की यदि हम बात कर ले फिलहाल यहां पर तो 8 विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री ने खुद कवर किए हैं, वहां के लोगों से, अलग अलग समाज के लोगों से मुलाकात की है, अलग अलग मुद्दों को लेकर बात की है और इन दौरों के दौरान, इस जनसंवाद के दौरान बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। और इन 8 दौरों में विकास प्रदर्शनी भी विधायकों की तरफ से लगाई गई थी कि उन्होंने दर्शाया कि उन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो वाकई में ग्राउंड लेवल पर पहुंच रही हैं नहीं, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए जनसंवाद महत्वपूर्ण था जो खुद मुख्यमंत्री ने लगातार किया है। उस जनसंवाद में कई तरह की समस्याएं लोगों की निकलकर सामने आई है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री आज फिर एक बार अलवर पहुंची हैं। आज यहां पर फिर से वो लोगों के साथ बात करेंगी, जनसंवाद करेंगी, लेकिन इसी के साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अलग अलग विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर इन 8 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे में क्या कुछ निकल कर सामने आया, उसे लेकर आज मंथन पर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि लोगों की समस्याएं अपने दौरों के तहत सीएम ने खुद जानी है। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की लगातार जो बात की जाती है, चाहे वो पार्टी के स्तर पर हो या फिर सरकार के स्तर पर, दोनों स्तरों पर क्या कुछ किया जा रहा है, इसे लेकर आज का दिन अहम होगा, क्योंकि अलग अलग विभागों के अधिकारी आज अलवर में मौजूद हैं। तमाम विभागों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री खुद फीडबैक लेंगी। वहां पर जो शिकायतें लगातार मिली हैं पिछले 8 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे में, उन्हें लेकर बातचीत की जाएगी। आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है, समस्या कहां पर आ रही है,
क्यों योजनाओं के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है उसे लेकर बात करेंगी, लचर कहां हो रही है कार्यप्रणाली उसे लेकर बात करेंगी, कहां ढिलाई हो रही है, कहां कमी रह जा रही है उसे लेकर बात करेंगी, क्योंकि आने वाला एक साल बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए और उपचुनावों की दृष्टि से तो अब कम वक्त बचा है, उपचुनावों को देखते हुए वक्त कम बचा है, इसलिए उपचुनावों के लिहाज से और भी कम वक्त है और काम ज्यादा करना है, जनता को अपने फेवर में लेना है, जनता को यह भरोसा दिलाना है कि सरकार आपके साथ है, सरकार आपके हित में काम कर रही है। ये भरोसा दिलाने के लिए बहुत जरूरी है मुख्यमंत्री का यह दौरा और उसी के मद्देनजर लगातार आपको पिछले एक महीने के दौरान मुख्यमंत्री अलवर के दौरों पर नजर आई हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र कवर करने के बाद आज एक बार फिर से अलवर पहुंची हैं। यहां पर विभागों के अधिकारियों से बातचीत करेंगी, तमाम जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो आज अलवर में मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ये बैठक होने वाली है जिसमें अधिकारियों से एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा कि आपने क्या कुछ किया है। कुछ ऐसे विभाग हैं जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, तो इन कंप्लेंट्स की वजह क्यों है, वजह क्या है, लगातार ये बात कही जाती है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका जनता को लाभ मिलना चाहिए, जनता को उन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जनता को पता है या नहीं, जनता को लाभ मिल पा रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब खुद सीएम ने तलाशने की कोशिश की है अपने दौरों के दौरान और उसमें जो कुछ निकलकर सामने आया है, क्योंकि अलग अलग समाज के लोगों ने अपनी जो परेशानियां हैं वो सीएम के सामने रखी हैं और उन परेशानियों को लेकर आज बातचीत एक बार फिर की जाएगी। फिलहाल अपडेट जान लेते हैं, सहयोगी शशिमोहन हमारे साथ जुड़े हुए। शशिमोहन जी, फिलहाल यदि हम बात करें तो यहां पर अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ हो चुका है और उसके बाद शायद अब बैठक का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो क्या है? देखिए, किस तरह बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, मुख्यमंत्री बैठक हॉल की तरफ रवाना हो गई हैं। हालांकि पहले जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे 5 मिनट की अनौपचारिक चर्चा मुख्यमंत्री करेंगी, जो उनका फीडबैक है उसके आधार पर फिर बैठक में जरूरी निर्देश देंगी। लेकिन इससे पहले जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जो गाड़ियां रवाना होनी थी उसके तहत 15 गाड़ियों को मुख्यमंत्री ने रवाना किया है। अलवर जिले के और अलवर संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये गाड़ियां जाएंगी और मुख्यमंत्री ने खासतौर से इन गाड़ियों को लगाने की लोकेशन की जानकारी भी दी। तब यहाँ जनप्रतिनिधि थे, अलवर शहर के विधायक बनवारीलाल सिंगल थे, स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख शासन सिंह थे, उन्होंने जानकारी भी दी कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर एक ही गाड़ियां लगवाई गई हैं। तो मुख्यमंत्री ने तत्काल कहा कि हॉस्पिटल पर भी एक गाड़ी जरूर लगवाई जाए, क्योंकि वहां जो मरीजों के बीमारदार होते हैं उनको ऐसे हर समय भोजन की जरूरत होती है, तो उनको सस्ती दर पर नाश्ते के समय नाश्ता और भोजन के समय भोजन मिल सके उसका प्रबंध किया जाए, उसके लिए इन गाड़ियों को लगाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं पर मजदूरों की जो चौकसी होती है, जहां से रोजाना मजदूरों को हायर किया जाता है काम के लिए ले जाया जाता है निर्माण कार्यों के लिए, वहां पर भी ऐसी गाड़ियां अगर हैं तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो वंचित तबका है उसको सीधे तौर पर इसका लाभ मिले, क्योंकि उन्हीं को लक्ष्य करके उन्हीं को टारगेट करके योजना खासतौर से शुरू की गई है। सभी शहरी निकायों में एक योजना का विस्तार होगा और इसके तहत मुख्यमंत्री ने इन गाड़ियों को रवाना किया। उससे पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कुछ महिलाएं थी जो भोजन कर रही थी, उन्होंने भोजन का स्वाद चखा उन महिलाओं ने और मुख्यमंत्री ने उनसे फीडबैक भी लिया कि उनको क्या भोजन का स्वाद जो है स्तरीय लग रहा है, क्वालिटी और जो टेस्ट है वो सही तो है ना। जो महिलाएं थी वो संतुष्ट थी, उसके बाद मुख्यमंत्री भी उससे बात करके खुश दिखी। कुल मिलाकर के अभी जो बैठक होगी, आप देखिए पहले बैठक का प्रस्तावित समय 3 बजे तक का था, यानी कब 4 घंटे का, और अब जब ये बैठक 1 बजे शुरू हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि 5 बजे तक ये बैठक कम से कम चलेगी और इस मैराथन बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी शशिमोहन जी, एक चीज यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, हमने लगातार देखा है पिछले एक महीने में लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों को मुख्यमंत्री ने कवर किया है, अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई कंप्लेंट्स भी जानी है। आज की अधिकारियों के साथ खासतौर पर जो बैठक होने वाली है वो एक तरीके से क्या हम मान सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं? देखिए, रिपोर्ट कार्ड की बात कहें तो ऐसा नहीं लगता कि रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, बल्कि मुख्यमंत्री उनको नई टास्क देंगी। जो अभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद के दौरान, अलग अलग सामाजिक तबकों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री के सामने जो मांग आई, जो समस्याएं आई, जो सुझाव आए, अगर कोई बेहतर सुझाव है तो उसको किस तरीके से लागू किया जा सकता है,
कोई पर्टिकुलर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से सुझाव आया है क्या, वो सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों, पूरे संसदीय क्षेत्रों या पूरे जिले पर लागू किया जा सकता है, तो उसको कैसे किया जा सकता है? और अगर कोई डिमांड तत्काल जरूरत की है, जैसे जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत मिश्र पहुंचे हैं, तो उनसे संबंधित मान लीजिए अगर कोई डिमांड तत्काल जरूरत की है, उसको कैसे पूरा किया जाए? क्योंकि पेयजल की मांग कई बार अलवर में ज्यादा रहती है, समस्या है पेयजल की। और जो कृषि विभाग की अलग अलग योजनाएं, उनका अगर किसी को फायदा नहीं मिल रहा, तो कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव नीलकमल दरबारी यहां पर मौजूद रहेंगी। तो प्रमुख शासन सचिवों को भी यहां पर बुलाया गया है, जिला स्तर के अधिकारियों को भी यहां पर बुलाया गया है, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं को मीट आउट किया जा सके। लेकिन एक चीज जरूर सुथरा यहां पर रहेगी कि पिछले दिनों जो फीडबैक बैठकें हुई हैं, उसमें ऐसी बातें भी आई बीजेपी के संगठन के भीतर भी, जो विधायक के व्यक्ति थे या जो विधायक खेमे के लोग थे, वो ही इस बैठक में जा सके। कुछ हद तक जो विधायक से असंतुष्ट लोग थे, चाहे वो संगठन के भीतर के ही हो, उनको इसमें जगह नहीं मिली, तो उनकी आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची। ऐसे में जो संगठन के प्रभारी लगाए गए हैं, जो पदाधिकारी संगठन के हैं और वो प्रभारी के रूप में अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगाए गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कई बेहद बढ़ जाती है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में जब उपचुनावों के लिए डेटों का कभी भी ऐलान हो सकता है ऐसी स्थिति में, और 4 साल जब पूरे होने वाले हैं सरकार के, उस स्थिति में तो खासतौर पर मुख्यमंत्री का यह दौरा अहम। और हालांकि बैठक पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि मोहन जी, आगे भी अपडेट के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलवर से ये सीधी